यहाँ मैंने हल्दी ली क्योंकि हल्दी को टैबलेट्स वगैरह हेल्थ के लिए प्रोडक्ट तैयार करने में भी यूज करते हैं एंड क्रीम्स वगैरह भी यूज की जाती हैं। हल्दी को काफी अच्छा माना जाता है एंड इसमें 300 से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, एग्जांपल देती हूँ, जब हम बर्तन धोते हैं, ठीक है, जो सब्जी का बर्तन होता है ना उसमें जैसे डिशवॉश वगैरह के पानी चला जाता है उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, केमिकल होता है एंड उसमें क्या होती है, हल्दी मिली होती है, इसलिए इसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो मैंने यहाँ दो ब्रांड लूंगी, एक तो ये वाली जिसे आप सभी जानते हैं, गर्ल्स भी बॉयज भी, एक हमारा सीबकटोन, ठीक है, इसमें प्रॉपर सीबकटोन से तैयार कर लगाया है। ये देखिए, हमने दो फेस वॉश लिए थे, कलर चेंज हुआ, इसका भी और इसका भी हुआ। ये जो फेस वॉश था बाहर के ब्रांड था, ठीक है, इसने क्या करा, हल्दी को क्या करा, डैमेज कर दिया, उसको वहां खत्म कर दिया। लेकिन जो सीबकटोन फेस वॉश था, आपने देखा हल्दी का कलर पहले कैसे था, अब उसके अंदर क्या हो गया, ग्लो आ गया, ठीक है। पहली वो इसमें प्रूफ है कि इसमें क्या है, केमिकल नहीं है, हमारे जो फेस वॉश है सीबकटोन का, इसमें केमिकल नहीं है जिसकी वजह से ग्लो आया। लेकिन जो हल्दी के साथ मैंने इसका करा था, क्लीन वाला करा था, इसका क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। मतलब ये हो गया कि आपने एक ब्रांड यूज करी 15 दिन, उसने क्या करा, ग्लो दिया, साथ में उस क्या करा, एक महीने बाद उसकी आपकी स्किन क्या डैमेज होती स्टार्ट हो गई।